सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से अब ये फैसला दे दिया है कि इंपेरिकल डेटा के बारे में जो केंद्र सरकार की ओर अंगुली निर्देश किया जाता था, वो डेटा इस ट्रिपल टेस्ट के काम का डेटा नहीं है, वो डेटा नहीं दिया जा सकता। ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताई है ओबीसी आरक्षण के लिए, उस ट्रिपल टेस्ट के लिए जो डेटा है वो जो हमारा राज्य मागास्वर्ग आयोग है उसने तैयार करना है, बैकवर्ड क्लास कमीशन ऑफ द स्टेट। और बैकवर्ड क्लास कमीशन के साथ जो बैठक सीएम साहब, डीसीएम साहब और मैं थे उस समय, उन्होंने हम एक महीने में भी इसको कर सकते ऐसा कहा था, लेकिन दो साल तक राज्य की सरकार ने केवल केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाते हुए और इसको इसमें टाल मटोल की, और उसके कारण आज ओबीसी का आरक्षण गया है, ओबीसी का आरक्षण नहीं है। और विशेष रूप से अभी 105 नगर पंचायत और 2 जिला पंचायत के चुनाव में एक भी ओबीसी की सीट रिजर्व नहीं रहेंगी, उसको विदाउट ओबीसी आरक्षण आप इसका इलेक्शन कंडक्ट करो, ऐसा आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया हम 6 महीने में डेटा तैयार करेंगे, फिर कहा 3 महीने में करेंगे। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है 3 महीने में करेंगे तो सोच समझ कर ही कहा होगा, फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया, ये भी सवाल उठता है। 2 साल आप ये कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती, लेकिन अब हमारी मांग है कि 3 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए और उसको नोटिफाई करके ओबीसी आरक्षण के साथ ही आगे के चुनाव लीजिए, आगे के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना हम मंजूर नहीं करें। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।